हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जो कि बेस्ड है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला पे। अब गाइस, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, एंड ये आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको इस पर हर साल मिल जाएगा पेपर में। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है करना। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको बहुत आसानी के साथ ये समझ में आ जाएगा। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। कार्बन 54.55%, हाइड्रोजन 9.09% एंड ऑक्सीजन 36.26%। इट्स वेपर डेंसिटी इज 44। फाइंड द एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पे हमें कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, हमें उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है। सो ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमें एक टेबल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आप 5 कॉलम्स का एक टेबल ड्रॉ कर लो, जिसमें कि आपकी हेडिंग्स कुछ इस तरह रहेंगी। फर्स्ट कॉलम होगा आपका एलिमेंट्स का, सेकंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, थर्ड एटॉमिक वेट्स के लिए, फोर्थ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के लिए, एंड लास्ट आपका होगा सिंपल रेशियो के लिए। सो इसके बाद नेक्स्ट वर्क हमारा होता है कि फर्स्ट कॉलम में हम सारे एलिमेंट्स को ऐसे फिल आउट कर लेंगे। आपका यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिवन था, तो हमने यहाँ पे तीनों का सिंबल ऐसे लिख दिया है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें परसेंटेज कॉम्पोजिशन की, तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टिव उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऐसे कॉलम में लिख देंगे। कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसके सामने, हाइड्रोजन का उसके सामने, एंड ऑक्सीजन का उसके सामने। देन एटॉमिक वेट्स वाले कॉलम में आप सबके एटॉमिक वेट्स ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं, यहाँ तक हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना था। अब इसके बाद वाले दोनों कॉलम्स में हमें कैलकुलेशन करना है। अब इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक वेट से। सो यहाँ पे आप देखो, आपने क्या किया, कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिया एंड उसको डिवाइड कर दिया उसके एटॉमिक वेट से। सो आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा। देन हाइड्रोजन के लिए भी यही काम करोगे, एंड ऑक्सीजन के लिए भी आप यही चीज़ करोगे। हर एक का आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन लो एंड उसको उसके एटॉमिक वेट के साथ डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा। आप पॉइंट के बाद दो वैल्यूज तक ले लो, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको डिवीजन करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे किया नहीं है, बट आपको रफ वर्क में साइड में ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, अब यहाँ पे जो आपके वैल्यूज आएंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में, अब यहाँ पे आप देखो कि आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2.26, ठीक है। अब सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपल रेशियो में हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज को इसी सबसे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। आप यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिया एंड यहाँ पे हमने क्या किया, 4.55 को सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 2.26 से डिवाइड कर दिया। सो ये अप्रॉक्स 2 के आसपास आएगा। अब यहाँ पे आपको पॉइंट का वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। देन नेक्स्ट 9.09 को आप 2.26 से डिवाइड करोगे, अप्रॉक्स से 4 आएगा। एंड 2.26 को आप सेम 2.26 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 ही आएगा। तो ये सारे हो गए सिंपल रेशियोज। अब सिंपल रेशियोज आने के बाद आपका काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब बस आपको क्या करना है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला इस तरह लिख देना है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, आपके कार्बन कितने आ गए थे 2, सो आपने लिखा C2, एच कितने थे 4, सो H4, एंड ऑक्सीजन कितने आ गए थे 1, सो यहाँ पे हो गया O, सो C2H4O। तो ये आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो एक पार्ट तो हमारा हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हम मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसी कंपाउंड का। सो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए होती है, जिसे हम बोलते हैं N। अब N की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, N इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एंड ये इक्वल होता है, मॉलिकुलर वेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 into VD से। सो 2 into VD अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। सो यहाँ पे वेपर डेंसिटी और VD हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ पे वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है 44। सो हमने क्या किया, इसको फॉर्मूले में पुट किया 2 into 44, 2 into VD मीन्स 2 into 44, एंड अपॉन में हमें क्या रखना है, एम्पेरिकल वेट। अब गाइस, एम्पेरिकल वेट मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, हमने ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था हमें इसका वेट निकालना पड़ेगा। कैसे, कुछ इस तरह, हमने क्या किया, C2H4O का मॉलिकुलर मास निकाल लिया, बेसिकली वही होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 कार्बन आइटम्स थे तो यहाँ पे 2 into 12, देन 4 हाइड्रोजन आइटम्स थे 4 into 1, एंड 1 ऑक्सीजन आपका था तो यहाँ पे 16 ले लिया, एंड इन सबको आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 44। सो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ जाएगा 44। सो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करा एंड सॉल्व करा, सो ये कितना आ जाएगा 2, मीन्स आपका एन का वैल्यू कितना आ गया 2। अब एन का वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मीन्स एन का वैल्यू आपका 2 आ गया था, सो 2 into C2H4O आपका क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जितने भी आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला में बॉटम में नंबर्स आपके लिखे हैं, आप हर नंबर को इस एन के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, सो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा C4H8O,
यही आपका हो जाएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला। सो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C2H4O, एंड आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया, C4H8O2। सो गाइज ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को देख लो, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। एंड इस प्रॉब्लम का हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है, बस यहाँ पे वैल्यूज अलग होंगे एंड यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये अलग होंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे बट आपका प्रोसेस सेम होगा इस क्वेश्चन को करने का। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मेरा सजेशन यही है कि इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना एंड एकदम करेक्ट सॉल्व करके आना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन, अ कंपाउंड गिव अ फॉलोइंग डेटा, सी इज इक्वल टू 57.82%, ओ इज इक्वल टू 38.58% एंड द रेस्ट इज हाइड्रोजन, इट्स रिलेटिव मॉलिकुलर मास इज 166, फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब गाइज ये क्वेश्चन भी कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको कार्बन का परसेंटेज गिवन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन को भी आपको लेना है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको नहीं गिवन है। सो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सो वो कैसे निकालेंगे आप देख लो यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है तीनों का परसेंटेज ऐड अप होकर 100% होगा टोटल। सो आप क्या करो, आप कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, सो आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल आएगा। आपने क्या किया, दोनों का परसेंटेज ऐड किया कार्बन या ऑक्सीजन का एंड उसको 100 में से माइनस कर दोगे, एक्स्ट्रा परसेंट होगा वो कितना होगा, हाइड्रोजन का। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज। अब आपके पास कार्बन का, ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज है, सो आप यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन अभी आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करो एंड इसके सॉल्यूशन का पिक आप मेरे को इंस्टाग्राम में फेसबुक पे सेंड करो। सो मैं देखूंगा आप इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। सो गाइस ये था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, एम रखते हैं 100 लाइक्स का, प्लीज़ कर देना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।